नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नगर क्षेत्र में इस वक्त देह व्यापार का धंधा खुले कैफों में अवैध रूप से जारी है। फिर पुलिस ने इन कैफे संचालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बाजपुर रोड स्थित एक मॉल में स्थित कैफे में छापे मारकर कार्रवाई की। वहां से कई जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। वहीं अचानक हुई पुलिस की इस कार्रवाई से वहां मौजूदा प्रेमी जोड़ों समेत कैफे में मौजूदा संचालक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस को लगातार नगर स्थित मॉल समेत अन्य स्थानों पर चल रहे कैफों में संचालकों द्वारा प्रेमी जोड़ों को प्राइवेसी देकर उन्हें मिलाने और उसके एवज में मोटी रकम ऐंठने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ये प्रिया मॉल है काशीपुर में, इसमें काफ़ी समय से शिकायत आ रही है कि मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पर केबिन चलाए गए हैं, कैफे के नाम से रेस्टोरेंट खोले गए हैं या खाने पीने को लेकर के वहाँ पर अधिकांश जो है पर्दे लगा करके जोड़े बैठाए जाते हैं और जहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। काफ़ी समय से हम इसमें रेकी कर रहे थे और इसमें आज हमने यहाँ छापामारी करी थी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जो संयुक्त यहाँ के काशीपुर के हैं और कटरत चक्की इंचार्ज के सबने मिल करके छापामारी की। तो बादशाह एक कैफे है, इसमें तीन चार जोड़े हमें आने वो आप उस पर मिले हैं आपत्तिजनक स्थिति में और आपत्तिजनक सामान जो हमें मिला है, इनके खिलाफ कार्रवाई। रुद्रपुर में रेड लाइट लगने से जाम से अब मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं प्रकाश एक खबर आई है कि रुद्रपुर में जी का जंजाल बनी रेड लाइट के बाद पुलिस ने जहां दीनदयाल चौक की रेड लाइट बंद कर दी, तो अब इंदिरा चौक पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने खुद चौक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसएसपी ने माना कि इंदिरा चौक रुद्रपुर ही नहीं उत्तराखंड का सबसे बड़ा चौराहा है, लेकिन अतिक्रमण सर्विस रोड न होने, चौक की गोलाई ज्यादा होने से दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान एनएच के अधिकारियों चौक के चारों तरफ सर्विस रोड निर्माण के साथ बिजली विभाग को पोल शिफ्ट करने और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने इंदिरा चौक की गोलाई भी कम करने के निर्देश दे दिए हैं। श्रीनगर में गुलदार के घर में आग धमकने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस के जवानों ने करीब कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया है। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में लखनंदा विहार में स्थित एक घर की गैलरी के बीच गुलदार फंस गया था। गुलदार को देखते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए। गुलदार के आवासीय भवन में होने की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंचा है और उसका रेस्क्यू किया है। बलरामपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहली पारी की संपन्न हुई है। एमएलके पीजी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया। महाविद्यालय में चार परीक्षा केंद्र बनाए गए। चारों परीक्षा केंद्र पर करीब 700 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आए। 98 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिलाधिकारी श्रुति और एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई पहली पारी की। आगरा में हरी पर्वत पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। झूठा मुकदमा लिखाकर निर्देश को फंसाया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वादी पक्ष से कथित पीड़िता और तीन वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी दो अधिवक्ता फरार हैं, न्याय के रखवाले ही आरोपी बने हैं। वकीलों के माध्यम से महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में बयान भी दिया, लेकिन बाद में पुलिस को साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने झूठे मुकदमे का खुलासा कर दिया। मुकदमा लिखाकर पीड़िता से पैसे भी लिए गए, सभी ने पैसे का बंदरबांट किया। पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इटावा में तत्कालीन तहसीलदार मोनालिसा जोहरी पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर बागटेट में एक पक्षीय आदेश पारित करने का गंभीर आरोप लग रहा है। पीड़ित पक्ष ने कचहरी में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आदेश को खारिज कर कार्रवाई की मांग की है। सिपाही तहसील में तैनात रही तत्कालीन तहसीलदार मोनालिसा जोहरी पर तबादले से पहले 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर जमीनी मामले का बागटेट में एक पक्षीय आदेश करने का आरोप लग रहा है। पीलीभीत में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल उपभोक्ता का बिजली का बिल सन 2022 में करीब 60,000 के आसपास था।
बिजली का मीटर खराब होने से उपभोक्ता ने करीब 16,000 का बिल जमा किया। वहीं जब बिजली के बिल में छूट मिलने की सूचना मिलने पर वो बिजली विभाग पहुंचा, तब उसको जानकारी मिली कि उसका बिजली का बिल करीब 5 लाख से ऊपर है। ये जानकर उसके होश उड़ गए। फिलहाल उपभोक्ता पिछले 2 सालों से मीटर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को दे रहा था और मीटर बदलने की मांग कर रहा था। वहीं अब वो अपने बिजली का बिल ठीक कराने के लिए चक्कर काट रहा है, पर बिजली विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। श्रावस्ती में विद्युत विभाग के जेए के खिलाफ उपभोक्ताओं में रोष है। काफी संख्या में नाराज उपभोक्ता विद्युत उपकेंद्र भिनका पहुंच गए। जेए के तबादले की खबर सुनकर विद्युत उपकेंद्र उपभोक्ता पहुंचे। जेए जियालाल पर पैसा लेकर कार्य न करने का आरोप लगा है। कनेक्शन संयोजन बिजली बिल समाधान के नाम पर पैसे लिए गए। उपभोक्ताओं ने जेए पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गोरखपुर मार्ग पर समय सनसनी फैल गई, जब दिन दिहाड़े बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने पिस्टल लगाकर त्रिपाठी फोरेक्स की दुकान में 1 लाख रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं दुकानदार को भी घायल कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। लूट की घटना को अंजाम देने वाले को पता लगाने में जुटी है। पीड़ित युवक ने बताया कि बाइक पर सवार 3 बदमाश पिस्टल लगाकर आए, दुकान में रखा 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सिद्धार्थनगर के प्रभारी और प्रदेश के आबकारी मंत्री तिन अग्रवाल सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे थे। इस जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने बीएसए ग्राउंड में वृक्षारोपण कर प्रदेश के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले को हरा भरा करने के लिए निर्धारित वृक्ष लगाने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने की बात कही। बाद में प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 दिन में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में और इसके अलावा किसानों और नौजवानों के हित के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान, नौजवानों को रोजगार, गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक काम किया है। बांदा में प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने वृद्ध वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधा लगाकर वृद्ध वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। मरौली शील से वृद्ध वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर के साथ बांदा सदर से विधायक प्रकाश त्रिवेदी और जिलाधिकारी अनुराग पटेल सहित जनपद के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लक्ष्य रखा गया है कि 52 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में पालिका अध्यक्ष के साथ शासी अधिकारी ने पौधारोपण किया। 3 दिन में पालिका 2500 पौधे लगाएगी। बता दें कि अमरोहा शहर के बने स्टेडियम में अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन और नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी ब्रजेश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण अभियान के पहले दिन पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि अमरोहा पालिका को 2500 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है और उम्मीद है कि हम आम जनता के सहयोग से इन सभी पौधों को लगाएंगे ताकि स्वच्छता बनी रहे और पर्यावरण शुद्ध रहे। सहारनपुर के नए एसएसपी विपिन टाडा ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कहा कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसको लेकर हम लगातार काम करते रहेंगे। कानून व्यवस्था का पहला पड़ाव सड़क है और सड़क पर व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। एसएसपी विपिन टाडा ने कहा कि पीड़ित होता है, उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। पीड़ित को सम्मान रूप से न्याय मिलना चाहिए। अभी ईद भी आएगी, कावड़ भी आएगी, ये सभी चीजें हैं जिनको हम अपनी पुलिस टीम के साथ बैठ के अभी आज मैं आया हूँ तो हम समीक्षा करेंगे और जो तैयारियां रही है उससे बेहतर तैयारी हम हर बार करें। जो सेवाएं हर त्यौहार पर हम देते आए हैं लोगों को उससे बेहतर सेवाएं हम लोगों को देते हैं, हर बार का प्रयास रहेगा। बिजनौर के एक होटल में रोटी बनाने के दौरान रोटी पर मुंह से थूकता नजर आया। एक
रोटी मेकर। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस, पुलिस ने रोटी मेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। थाना नसीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद चौक स्थित एक होटल पर रोटी बनाते समय रोटी पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारत को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रही है। अब आगरा नगर निगम भी डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। आगरा नगर निगम के सभी विभाग डिजिटल हो चुके हैं। अब आगरा के बाशिंदे घर बैठे ही अपने मकान, दुकान, भवन का घर बैठे ही निर्धारण कर सकते हैं। महापौर नवीन जैन ने बताया कि अब आगरा के लोग घर बैठे ही हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा था, आयोजन किए जा रहे थे, मगर वास्तविकता ये है कि वो धरातल पर कहीं भी नहीं है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 95,000 रुपये का कर्ज है। उद्गार नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रुद्रपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस दौरान इस तमाम बातें कही हैं। आगामी कांवड़ मेले को सफल बनाने के लिए जनपद हरिद्वार में मीटिंग का दौर लगातार जारी है। वहीं इसी कड़ी में आज राज्य अतिथि गृह में मीटिंग हुई और मीटिंग में अन्य राज्यों से भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून से पुलिस कमिश्नर, जनपद बिजनौर, जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा राज्य से भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिनका हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वागत किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।